इस रिजल्ट फोर्थ लिस्ट जारी कर देने के बाद में जो भी बच्चे का यहाँ पे फोर्थ लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उसे रावरीय बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को यहाँ पे मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सभी लोगों को यहाँ पे बधाई हो जिनका यहाँ पे फोर्थ लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन हो गए हैं, वो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं क्या कहने वाला हूँ आप लोगों से, और जिनका सिलेक्शन हो गया है ना वो भी यहाँ पे इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि GDS की जो फिफ्थ लिस्ट है ना वो कब तक आ जाएगी। ये बात तो किसके लिए हुई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि GDS की फिफ्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी वो वेट कर सकते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें आगे क्या करना है, यानी कि GDS रिजल्ट का फिफ्थ लिस्ट का तो यहाँ पे वेट करना ही है आप लोगों को, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें आगे क्या करना है वो रास्ता आज का इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा इंडिया पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जब थर्ड लिस्ट जारी की गई थी ना, जब थर्ड लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी ना इंडिया पोस्ट के द्वारा, तो उसमें एक DV के लिए जो लास्ट डेट दी थी ना तो वो 16 अगस्त थी। अब 16 अगस्त से लेकर आप लोग खुद देख सकते हो आज फाइनली 25 अगस्त के 25 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोगों के यहाँ पे फोर्थ लिस्ट जारी कर दी गई डाक विभाग के द्वारा, जिन्हें आप लोगों ने देख लिया होगा, अपना नाम भी देख लिया होगा, और जिनका सिलेक्शन हुआ वो थोड़ा दुख की बात है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वेट कर रहे थे, पर कोई ना आप लोग फिफ्थ लिस्ट का वेट कर लेना। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों के यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट, आप लोगों के यहाँ पे डाक विभाग GDS रिजल्ट 2022 कब तक आने वाला है आप लोगों के फिफ्थ रिजल्ट। तो फिफ्थ रिजल्ट हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से किसी भी राज्य की यहाँ पे किसी भी सर्कल की यहाँ पे फोर्थ लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। इस फोर्थ लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से फोर्थ लिस्ट डाउनलोड हो जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा आसाम सर्कल फोर्थ लिस्ट, और यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आओ आप लोगों को, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे अभी जो आप लोगों की 21 अगस्त से पहले पहले जो भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं ये उनकी फोर्थ लिस्ट आई है। हमें अब फोर्थ लिस्ट में मतलब नहीं है, हमें तो फिफ्थ लिस्ट के पूछना है कि फिफ्थ लिस्ट आखिरकार कब तक आ जाएगी। तो फिफ्थ लिस्ट आप लोगों की यहाँ पे जो डेट है आप लोगों की आने की है वो डेट है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 अगस्त 2022, यानी कि 9 सितंबर के बाद में आप लोगों की यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट कभी भी आ सकती है यहाँ पे। अब फिफ्थ लिस्ट कभी भी आ सकती है आप लोग खुद देख सकते हो, जब इंडिया पोस्ट की थर्ड लिस्ट यहाँ पे 16 अगस्त की वहाँ पे लास्ट डेट थी DV की, तो 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त की समथिंग आई, तो अब मान के चलो आप लोगों को यहाँ पे जब फिफ्थ लिस्ट आएगी ना तो ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे आप लोगों का 9 सितंबर के बाद में आएगी, तो यानी कि 15 सितंबर तक भी आप लोगों की यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट आने की यहाँ पे तारीख है, यानी कि 15 सितंबर से तो पहले पहले भी आ सकती है, क्योंकि अब जो बहुत सारे बच्चे नहीं है, पहले जो बच्चे थे थर्ड लिस्ट में वो 14,910 कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से यहाँ पे उन बच्चों को जो भी रिजेक्ट हुए हैं उनकी जगह यहाँ पे इनको भर्ती कर लिया गया। अब इनमें से जो भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, अब जो भी बच्चे ये मान लो कि है ना पूरे स्टेट में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे 23 सर्कल दिख रहे होंगे, ये 23 सर्कल के अंदर जो भी यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये पूरे के पूरे आप लोगों को यहाँ पे जो 23 सर्कल दिख रहे होंगे ना, मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, जो 23 सर्कल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे 23 सर्कल, इन 23 सर्कल के अंतर्गत जो भी बच्चों को यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करेगा इंडिया पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट जारी कर देगा, और वो फिफ्थ लिस्ट जारी करने की यहाँ पे डेट है 9 सितंबर के बाद में कभी भी आ सकती है, 15 सितंबर को भी आ सकती है, पर ज़्यादा चांस है कि आप लोगों के यहाँ पे 15 सितंबर से पहले ही वो फिफ्थ लिस्ट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और वो फिफ्थ लिस्ट भी तभी आएगी जब यहाँ पे जो भी है यहाँ पे फोर्थ लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं ना वो DV में यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे ना, तभी आएगी। और DV में बच्चे बहुत ही जैसे कोई भी बच्चे रिजेक्ट नहीं हुए, जब 0 बच्चे रिजेक्ट हुए तो नहीं आएगी, और कुछ बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए तो डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ पे इंडिया पोस्ट फिफ्थ लिस्ट भी जारी करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों लिस्ट जारी की है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फिफ्थ लिस्ट नहीं आएगी। फिफ्थ लिस्ट भी आएगी यदि आप लोगों के यहाँ पे DV में तो बच्चे वहाँ पे रिजेक्ट हुए होंगे, आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये था आज का ये वीडियो जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करी कि यार फिफ्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जिन भी बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ अच्छी खासी परसेंटेज होने के बाद में, उन्हें क्या करना है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास दो चीज़ है, पहली चीज़ है वो यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट का वेट कर सकते हैं, कब वेट कर सकते हैं
जब आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज 90 हो, आप लोगों का 89 हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की तो कट ऑफ इतनी ही जाती है, ये तो आसाम की है जिसमें 64, 65, 65 गई, 60 गई, ये तो आसाम सर्कल की है, इसमें तो इतनी ही जाती है कट ऑफ। हमारे यहाँ पर तो बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश बिहार, इनमें तो यहाँ पे कट ऑफ तो आप लोगों के 90 मार्क्स हैं, ये 89 है, 82 है, 85 है, तब तो आप लोग फिफ्थ लिस्ट का वेट करो, तभी उम्मीद लगाओ, वरना आप लोग उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि उम्मीद टूट जाती है। और ये आप लोगों का, और फिफ्थ लिस्ट का तो वेट करो आप लोग। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये कर सकते हो, जो डाक विभाग की जो नई भर्ती आ रही है ना 1 लाख के समथिंग, आप उसके अंदर घुस जाओ, डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे पोस्टमैन, वहाँ पे आप लोगों का पोस्टमैन, और वहाँ पे आप लोगों का मेल गार्ड, और वहाँ पे एक और जॉब जो GDS से बड़ी है MTS, वो भी वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसी है, तो मैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, हो सके तो मैं सब कुछ उनसे संबंधित यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट की जो आएगी ना कट ऑफ, फिफ्थ लिस्ट की जो कट ऑफ रहने वाली है, ये मान के चलो जो भी बच्चा है यहाँ पे, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जनरल की, यहाँ पे जो जनरल की यहाँ पे जाएगी ना फिफ्थ लिस्ट की कट ऑफ, यहाँ पे मान के चलो आप लोग वहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश बिहार जहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ने वाले जब बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये मान के चलो आप लोगों की यहाँ पे 90 प्लस ही रहने वाली है। और OBC की भी यहाँ पे आप लोगों को 89, 82 इस तरह से रहने वाली है, जो मैंने पहले बात की थी SC ST इनकी यहाँ पे भी आप लोगों को, क्योंकि ये वेरी करती है कट ऑफ, बताऊँ क्या वेरी करती है, जैसे आसाम सर्कल में होते हैं आप लोग तो आपकी 92 होने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोगों को तो वहाँ पे 60 पे हो जाता, यानी कि स्टेट वाइज यहाँ पे कट ऑफ वेरी करती है। और उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान से हो आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो आप लोग फिफ्थ लिस्ट का वेट तभी करो जब आप लोगों की यहाँ पे अच्छी खासी परसेंटेज हो। और साथ ही मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वेट ही क्या करना है आप लोगों तो यहाँ पे पोस्टमैन, मेल गार्ड, और यहाँ पे आप लोग MTS की 1 लाख की समथिंग वैकेंसी आ रही है, आप लोग इनके अंदर घुस जाओ, मैं सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे ला के दूंगा, जो भी यहाँ पे अपडेट आएगी पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS से संबंधित। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप लोगों को ये जानकारी दे पाऊँ। तो ये आज का ये वीडियो था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली कि आखिरकार फोर्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी, और जिनका सिलेक्शन है उन्हें क्या करना है, और फिफ्थ लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये तीनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़।